आइए जानते हैं उन बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में जो अपने करियर के चरम पर थीं जब उन्होंने शादी की। आलिया भट्ट। आलिया इस जेनरेशन की इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने शाइनिंग बॉलीवुड करियर के बीच शादी करने का निर्णय लिया। राजी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी हिट फिल्में देने के बाद आलिया अब अपनी सफलता के पीक पर हैं। उन्होंने न केवल बॉलीवुड करियर पर ध्यान दिया बल्कि रणबीर कपूर से शादी करने का निर्णय भी उतना ही जरूरी समझा। काजोल। काजोल ने शादी से पहले और बाद में कुल 39 फिल्मों में काम किया है। हालांकि डीडीएलजे के बाद काजोल कुछ कुछ होता है, इश्क और करण अर्जुन जैसे कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाई दी। जब वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी तब अजय देवगन के साथ उनकी शादी की खबर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी खबर बन के आई। माधुरी दीक्षित। राजा, हम आपके हैं कौन और कोयला जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में काम करने के बाद माधुरी अपनी सफलता के पीक पर थीं जब उन्होंने श्री राम नीन से शादी करने का फैसला किया। अचानक उन्होंने फिल्म करियर में अपना इंटरेस्ट खो दिया और शादी और परिवार पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर हमेशा शानदार रहा है। ताल, देवदास और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों ने ऐश्वर्या को एक चमकता सितारा बना दिया था। लेकिन अपने करियर के बीच जब उन्हें बैक टू बैक बड़े बजट की फिल्म मिल रही थी, ऐश्वर्या ने अचानक अभिषेक बच्चन से शादी करने का फैसला किया। आसिन। गजनी उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जो हिट हो गई। आसिन के अभिनय कौशल की काफी सराहना की गई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने चमकते बॉलीवुड फिल्मी करियर की जगह शादी को चुना। आसिन ने कई बड़े बजट की फिल्मों को ठुकरा दिया और माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर और सीईओ राहुल शर्मा से शादी कर ली, जो वाकई सभी के लिए चौंकाने वाली न्यूज थी। विद्या बालन। विद्या बालन ने परिणीति, डर्टी पिक्चर, कहानी और इश्किया जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन अपने उज्जवल बॉलीवुड करियर के बीच उन्होंने शादी के बंधन में बंध जाने का फैसला किया और जल्द ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। श्रीदेवी। चांदनी, मिस्टर इंडिया और लाडला जैसी हिट फिल्मों में श्रीदेवी के शानदार अभिनय को कोई कैसे भूल सकता है। हालांकि इस बी टाउन की दीवा ने अपने करियर के पीक पर शादी करने का फैसला किया जब वे शादी से पहले बोनी कपूर के साथ गर्भवती हो गईं।